नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष शर्मा है और आप देख रहे हैं शर्मा जी की मीडिया, संतोष शर्मा। दोस्तों, इस समय मैं आयुष फ्रूट इंस्टॉल पे हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आयुष फ्रेश फ्रूट जूस है। इनके पास अलग अलग टाइप के बहुत सारे मेनू हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है प्राइस है। और यहाँ पे आपको फ्रेश जूस, फ्रेश फ्रूट दिया जाता है। आपको जब भी खाने का, फ्रूट खाने का मन हो, जूस पीने का मन हो, तो एक बार आप ज़रूर इनको सेवा का मौका दीजिए। इनका एड्रेस है नियर प्राइम शॉपर्स, अपोजिट सफल स्क्वायर, उदना मगदल्ला रोड, वेसू, सूरत। और यहाँ पे कस्टमर को बैठने की भी व्यवस्था है। ज़्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे यहाँ के इंस्टॉल ओनर से, तो ये जानते हैं। सर, मेरा नाम अजीत अग्रारी है और जी मैं अयोध्या से हूँ। मुझे यहाँ 4 साल हो गए बिजनेस करते हुए। और आपका फेमस क्या है उसके बारे में मुझे बताइए। मेरा ये ड्राई फ्रूट्स फेमस है और फ्रेश जूस भी फेमस है और ये फ्रूट डिश भी। आपका ड्राई फ्रूट फेमस है, तो एक बार ड्राई फ्रूट आप बना के दिखाइए ज़रा। अभी ये मैं ड्राई फ्रूट बनाने जा रहा हूँ। ड्राई फ्रूट देखिए हमारा कैसे बनता है। ड्राई फ्रूट मेरा बहुत फेमस है। मेरा ड्राई फ्रूट क्या है, बहुत दूर दूर से लोग खाने आते हैं और ये इंस्टाग्राम पे भी है, काफ़ी लोग फ्रेंड हैं इसके, 5 लाख तो फ्रेंड हैं इसके ड्राई फ्रूट के मेरे। और ये ड्राई फ्रूट मेरा 4 साल से बना रहे हैं। ये ड्राई फ्रूट यहाँ सूरत में कोई नहीं बनाता है हमारे सिवाय छोड़ के। अभी ये जो ड्राई फ्रूट आप बना रहे हो, इसमें आपने क्या क्या चीज़ें मिक्स किया उसके बारे में बताइए। वाटर मेलन है, तो पाइनएप्पल है, पपीता है, गुआवा है, एप्पल है, कीवी है, ड्रैगन फ्रूट है, और उसके बाद में प्लम्प है, बनाना है, पपीता है, और उसके बाद में ग्रेप्स है। ये सब सारे मिक्स फ्रूट हैं। और उसके बाद में फ्रूट ड्राई फ्रूट भी हैं इसमें सारे। ड्राई फ्रूट में जैसे काजू हो गया, बादाम हो गया, अंजीर हो गया, अखरोट हो गया, ड्राई मैंगो हो गया, बादाम कतरन हो गया, और उसके बाद में खजूर हो गया, फिर किशमिश हो गई, चेरी हो गई, अंजीर हो गया। ये सारे आइटम हैं, सब पूरे ड्राई फ्रूट हैं, एकदम फ्रेश और मस्त। जो एक बार खाए वो बार बार आए। अब ये देखिए ड्राई फ्रूट्स बनाया, ड्राई फ्रूट्स के अंदर जो है ये मध डाल रहे हैं। हाँ, मध डाल रहे हैं और इसमें अभी चाट मसाला डालेंगे। और बाकी आपके पास कुछ ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आप मतलब लोगों को दिखा सको, बता सको? काफ़ी सारे ड्राई शेक जूस भी हैं और काफ़ी डिश भी हैं, जैसे अहमदाबादी फ्रूट डिश है, कश्मीरी फ्रूट डिश है, काफ़ी अलग अलग आइटम हैं। अभी तक आपने मिक्स फ्रूट और ड्राई फ्रूट का एक ऑर्डर देखा, अब दूसरा ऑर्डर है हमारा मिक्स फ्रूट के ऊपर। इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं उसके बाद। ये हमारा खुद का मसाला है, हम इसमें क्या क्या मिक्स करते हैं? इसमें काली मिर्च, जीरा, बड़ी इलायची, काफ़ी आइटम है। कम से कम है 2500 आइटम मसाले में, 2500 आइटम मिलाकर ये मसाले को हम बनाते हैं। बट ये हमारे मसाले के ऊपर ही आते हैं फ्रूट खाने सब। कस्टमर के डिमांड के हिसाब से ये पाइनएप्पल जूस बनेगा। आप देख रहे हैं इसमें कोई पानी मिक्स नहीं हो रहा है, ना कोई शुगर ऐड हो रहा है, कोई एक्स्ट्रा मटेरियल इसमें ऐड नहीं किया जा रहा है, ओनली फॉर द नेचुरल जो चीज़ है। जैसे आप देख सकते हैं पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल का जो जूस निकलेगा वही कस्टमर को सर्व किया जाएगा। हमारे यहाँ 50 रुपीज़ से 220 तक जूस हैं सारे गिलास। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जूस बन के रेडी हो चुका है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड नहीं किया गया है, नेचुरल प्योर शुद्ध जो प्रोसेस किया गया है पाइनएप्पल के थ्रू, ये देख सकते हैं आप। मतलब इसमें अगर एक पाइनएप्पल अगर 1 किलो का हो तो कितना ग्लास जूस बन जाएगा विदाउट कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करके? बिना एक्स्ट्रा चीज़ करते हुए 1.5 गिलास बन जाएगा, क्योंकि गिलास जो है हमारे बड़े आते हैं सर। एक दो गिलास ऑरेंज का भी बनाया जा रहा है, इसमें भी कोई एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड नहीं है। ये आप देख सकते हैं ये चीकू है, चीकू का ड्राई शेक बनेगा। अच्छा, एक गिलास बनेगा, एक गिलास चीकू ड्राई शेक बनाने में आपको कितना मतलब आपका चीकू लग जाएगा? मेरा कम से कम 250 ग्राम लग जाएगा। 250 ग्राम चीकू लग जाएगा एक गिलास जूस बनाने में। अच्छा, प्योर अमूल गोल्ड चीकू के पीसेस। अच्छा, चीकू के पीसेस डाल रहे हैं अभी। अभी ये ड्राई शेक में मैं बादाम कतरन डालने चल रहा हूँ, बादाम कतरन आएगा, फिर उसके बाद में किशमिश आएगी, फिर इसके बाद में टूटी फूटी आएगी, फिर उसके बाद में ये काजू आएंगे, ये काजू आएंगे, फिर इसके बाद में ये अखरोट आएगा, हाँ, फिर उसके बाद में ये चेरी आएगी, फिर अब उसके बाद में सर ये मेरा ड्राई शेक रेडी हो गया है, ये मेरा ड्राई शेक रेडी हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं इस समय में ये अभी ड्राई फ्रूट है और ये जूस है,
ये दोनों अभी खा के एक बार चेक करके जैसा कि दोस्तों आपने देखा ड्राई फ्रूट जो है मैं अभी खा रहा हूँ तो पी रहा हूँ इसका स्वाद बहुत बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। ये देख सकते हैं आप ड्राई फ्रूट से, ये जो है ड्राई फ्रूट और इसी बार टेस्ट कर लेते हैं कैसा टेस्ट है, उसके बाद बताते हैं।